खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से, जहां वन मंडल ने लोध के पीछे पौधे लिए विशेष संरक्षण की योजना बनाई है। सदाबहार लोध के पौधे कई विसंगतियों के कारण जंगलों से लुप्त होने की कगार पर हैं। कोरिया वन मंडल ने बड़े पैमाने पर इसके पौधे को संरक्षित करने का कार्य किया है। आपको बता दें कि कोरिया वन मंडल लोध के पौधों की नर्सरी तैयार करने में जुट गया है। आयुर्वेद के अनुसार लोध का पौधा बहुत ही खास औषधीय गुणों से भरा होता है। लोध का पौधा कई बीमारियों में अलग अलग तरीकों से उपयोग में लाया जाता है। लोध जो प्रजाति है, ये सरगुजा संभाग के सभी जिलों में पाया जाता है। वन औषधि पौधा है। इसके छाल का उपयोग जनरली किया जाता है। और कोरिया वनमंडल ने इसका प्रयास किया है कि ये जैसे जैसे विलुप्त तो होते जा रहे हैं, जितने भी विलुप्त तो प्राय प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास कोरिया वनमंडल के द्वारा किया जा रहा है। उसी श्रेणी में लोध का पौधा भी है। अभी तक की इसकी नर्सरी किसी ने भी शुरू नहीं किया है, पर कोरिया वनमंडल ने इस बारे में सोचा और